नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज़ में हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने क्या है जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया पढ़ा, और उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, देन कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स जाने, उसके बाद हमने फिर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था, भौगोलिक संरचना भारत की, उसमें हमने क्या है 2 लेक्चर्स पढ़े, और फिर देन उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट पीक्स पढ़ी, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, और हमने इसमें माउंटेन रेंजेज भी पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, मेजर ग्लेशियर्स इन इंडिया। हमने जो फिजिकल फीचर्स बताए थे वो फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया था, आप लेक्चर को देख सकते हैं। तो हमारा क्या चल रहा था, नदन माउंटेन चल रहा था। अभी भी नदन माउंटेन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नदन माउंटेन में हमने पीक्स रेंजेस पढ़ ली, इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी है, देन हमने पीक्स पढ़ ली। तो आज हम क्या है मेजर ग्लेशियर्स पढ़ेंगे, और ग्लेशियर्स के बाद हम क्या है इंपॉर्टेंट पासिस पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है इंपॉर्टेंट पासिस यानी कि दर्रों के बारे में पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट दर्रे कौन कौन से हैं नदन माउंटेन एरिया में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम कौन कौन से ग्लेशियर्स पढ़ेंगे, ये सारे ग्लेशियर्स कहाँ पर हैं, नदन माउंटेन रेंज पर हैं, नदन माउंटेन रेंजेस पर, जो हमारा हिमालय है उस पर हैं। तो बटूरा ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे, खारदोपिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर भी बोलते हैं, चागोलिंगमा या लुंगमा भी बोल देते हैं, ठीक है इसको, रखेट ग्लेशियर, रखीट बोलते हैं इसको, दाइमर ग्लेशियर और रूपल ग्लेशियर। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे बियाफो ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है हिंदी में, हिमनद बोलते हैं, जहाँ हिम का मतलब होता है बर्फ। तो बियाफो के बाद पनमा ग्लेशियर, बाल्टोरो, केटू, बियाफोंड, रीमो, चोंग कुमदान, सियाचिन ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है इससे, यूपीएससी प्री में भी आया था इससे क्वेश्चन। नुब्रा ग्लेशियर, ब्रैंगटन ग्लेशियर, ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर और बारासिगरी ग्लेशियर। देन उसके बाद हम मूव करेंगे बसपा ग्लेशियर, बंदरपूंछ, जौंधर, यमुनोत्री, खटलिंग ग्लेशियर, फटिंग ग्लेशियर, मान ग्लेशियर, रक्तवर्ण ग्लेशियर, चतुरंगी, केदार, बयामाक, जौनली और गंगोत्री ग्लेशियर, ये सब उत्तराखंड में। देन उसके बाद मूव करेंगे हम भागीरथ खड़ग ग्लेशियर, सातोपंत, वेस्ट कामेट, ईस्ट कामेट, बैनकुन ग्लेशियर, बागिनी ग्लेशियर, टिपरा, मिलाम, कलाबलैंड, मियोला, पिंडारी कफनी, नामिक ग्लेशियर, ये सब पढ़ने के बाद हम नॉर्थ ईस्ट के ग्लेशियर की तरफ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से, तिस्ता ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर, तैलुंग और राठौंग ग्लेशियर, ये कहाँ पर हैं, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया उत्तरी पूर्वी भारत की तरफ है। तो एक एक करके वन बाय वन, कोई ग्लेशियर आपका छूटेगा नहीं, तो वन बाय वन इनको हम देखते हैं। सॉरी, तो मैप में देख लेते हैं किन की लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बटूरा ग्लेशियर, बटूरा, हिस्पर ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर, चैगोलिंगमा, खारदोपिन, ये कहाँ पर हैं, जो ऊपरी छोर है जम्मू कश्मीर का वहाँ पर हैं। देन इसके बाद रखीट, दामेर, रूपल ग्लेशियर हैं, इन्हें क्या है क्रम से भी पूछ लेते हैं, नॉर्थ से साउथ लगाइए या फिर ईस्ट से वेस्ट लगाइए या वेस्ट टू ईस्ट लगाइए। तो अगर आपको लोकेशन पता है तो आप बता सकते हो। तो रखियोट, दाइमर, रूपल, ये क्या है नॉर्थ से वेस्ट। फिर अगर इधर बात की जाए बियाफो, पनमहा, बाल्टोरो और केटू, ये केटू है, और बिलाफोंड, ये पांच ग्लेशियर एक साथ है, ये रहे पांच ग्लेशियर एक साथ है, ये तीन ग्लेशियर एक साथ है, और ये चार ग्लेशियर एक साथ है, कौन कौन से, रीमो ग्लेशियर, चोंग कुमदान, सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर। सियाचिन इंपॉर्टेंट है, नुब्रा भी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन देखेंगे अभी। देन ब्रैंगटन और ड्रैंग ड्रंग ये यहाँ पर हैं, और बारासिगरी और पार्वती ग्लेशियर, तो ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख के। देन हम देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, हिमाचल में नहीं है इतने ग्लेशियर, तो उत्तराखंड में देख लेते हैं बसपा, जौंधर, बंदरपूंछ, यमुनोत्री, ये चार ग्लेशियर। देन खटलिंग, फटिंग
माना रक्तवर्ण चतुरंग और केदार बयामाक, धन चार जौनली गंगोत्री और भागीरथ भागीरथ खड़क और सातोपंथ, ये चार एक साथ है। चोराबारी और पनपटिया ग्लेशियर दो एक साथ है। बानकुंड वेस्ट कामेट ये रहा, ईस्ट कामेट ये रहा, ईस्ट कामेट और रेखाना, बागिनी ग्लेशियर और बैनकुंड ग्लेशियर, टिपरा ग्लेशियर ये अलग है, और ये तीन ग्लेशियर एक साथ हैं, कबाला लैंड, मियोला और मिलाम, पिंडर काफनी और नामी ग्लेशियर एक साथ है, ठीक है। ये उत्तराखंड के, नॉर्थ ईस्ट के देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मेनली ये सिक्किम में ही मिलते हैं ग्लेशियर। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चोटियाँ हैं ऊँची ऊँची हैं, तो जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही बर्फ ज़्यादा बनती है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता है जितना ऊपर जाते हैं। तो जम्मू ग्लेशियर, तालुंग और राठौंग और तिस्ता खांगसे ग्लेशियर ये हम पढ़ेंगे। तो वन बाय वन देख लेते हैं। बटूरा ग्लेशियर या बटूरा हिमनद, तो इसको क्या ब्लैक ग्लेशियर भी बोला जाता है, ब्लैक ग्लेशियर। और ये कहाँ पर है, काराकोरम जो हमारी श्रृंखला है वहाँ पर है, जो हमने बताई थी ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये हमने रेंजेस बताई थी। तो ये अगर आपको याद होंगी लेक्चर में जाके एक बार फिर रिविजन कर सकते हो। तो ये काराकोरम रेंज पर है। तो अगर बात की जाए कौन से यूनियन टेरिटरी या स्टेट में, तो ये लद्दाख में है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन, लेकिन हम लद्दाख बोलेंगे क्योंकि ये पूरा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख अपना पार्ट है, ठीक है। खरदोपिन ग्लेशियर ये कहाँ पर है, ये भी लद्दाख में, पीओके वाले पार्ट में, काराकोरम पर्वत पर है। काराकोरम रेंजेज, एक बार आप रेंजेज जरूर देखें जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, तो काराकोरम रेंजेज पर है। हिस्पर ग्लेशियर ये भी काराकोरम रेंजेज पर है, लद्दाख पीओके रीजन में, और यहाँ से ही हिस्पर नदी निकलती है। जब हम रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे, रिवर सिस्टम, तो उसमें हिस्पर आएगी नदी। तो किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, हुंजा की, और हुंजा किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की है। तो इस पर नदी कहाँ से निकलती है, इस पर ग्लेशियर से। मियार ग्लेशियर ये भी लद्दाख में है, और ये कहाँ पर है, होपर वैली में, होपर वैली जो कि कहाँ पर है, लद्दाख वाले एरिया में, लद्दाख। चोगोलुंगमा ग्लेशियर ये भी काराकोरम, काराकोरम रेंज पर है, और कहाँ पर है, लद्दाख वाले रीजन में, लद्दाख पीओके वाले भाग में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में। रखीट या रैखियोट ग्लेशियर ये कहाँ पर है, ये भी लद्दाख वाले रीजन में, ये काराकोरम पर नहीं है, ये कहाँ पर, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय वाली रेंज पर है। हमने पढ़ाया था ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, तो ये कहाँ पर है, जो ये वाला पार्ट है ग्रेटर हिमालय, इस पर है। और किसके पास है, नंगा पर्वत के पास है, नंगा पर्वत, जब हमने पर्वत, ठीक है, जब हमने पढ़ाई थी ये श्रृंखला इसकी सीरीज की और पीक्स की, तो वहाँ पर बताया था। डायमर ग्लेशियर ये भी लद्दाख वाले, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, और ग्रेटर हिमालय पर है, नंगा पर्वत के पास ही है ये भी। रूपल ग्लेशियर, तासिन ग्लेशियर भी कहते हैं इसको, ये कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालय पर है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, रूपल नदी निकलती है, जो कि किसकी सहायक नदी है, एस्टोर की सहायक नदी है, और एस्टोर किसकी सहायक नदी है, एस्टोर इंडस की सहायक नदी है। बियाफो ग्लेशियर ये क्या है, थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है पोलर रीजन, नॉन आउटसाइड द पोलर रीजन। देखिए क्या होता है, ये हमारी क्या है, अर्थ है, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है। तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है, ज़्यादा ही बर्फ होगी। तो लेकिन इसके आउटसाइड में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है, फसंको ग्लेशियर है, जो कि कहाँ पर है, ताजिकिस्तान में, ताजिकिस्तान में है। उसके बाद कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है सेकंड नंबर पे, लेकिन थर्ड नंबर पे कौन सा, बियाफो ग्लेशियर। ये याद रखना इम्पोर्टेंट, पीसीएस तक में पूछ सकते हैं स्टेटमेंट देके, या यूपीएससी प्रीलिम्स तक में भी पूछ सकते हैं। तो नॉन पोलर रीजन में सबसे बड़ा फसंको जो कि ताजिकिस्तान में, सियाचिन जो कि भारत में, और बियाफो जो कि भारत में,
ये बियाफोर्स काराकोरम श्रेणी पर है और लद्दाख वाले एरिया में है। पनमा ग्लेशियर ये काराकोरम रेंज पर है और लद्दाख में कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बस लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है। बालटोरो ग्लेशियर ये जो हमने स्टार्टिंग में पिक लगाई थी ये किसकी है, बालटोरो ग्लेशियर की, ये लद्दाख में और काराकोरम रेंज पर है। केटू ग्लेशियर ये लद्दाख में है और काराकोरम रेंज पर है, तो लोकेशन याद रखना बस यही इंपॉर्टेंट है। बिलाफोंड ग्लेशियर ये भी काराकोरम रेंज पर है, सियाचिन वाले एरिया में, जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर था, सियाचिन एरिया है जो हमारा, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है इसके आसपास, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है। तो साल्टोरो नदी यहाँ से ही निकलती है, साल्टोरो नदी जो साल्टोरो नदी का सोर्स है वो बिलाफोंड ग्लेशियर है। रीमो ग्लेशियर ये कहाँ है, लद्दाख में और काराकोरम रेंज पर है, जो सियोक नदी को, सियोक जो कि किसकी सहायक नदी है, इंडस की सहायक नदी है, तो इसको जो जल प्रदान करता है वो रीमो ग्लेशियर ही करता है। चोंग कुमदान ग्लेशियर ये लद्दाख पीओ के रीजन में काराकोरम श्रेणी पर है और सियोक नदी को पानी ये भी देता है। सियाचिन ग्लेशियर ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आए दिन यहाँ पर क्या है विवाद होता रहता है भारत और चीन के बीच में, जो ये हमारा एरिया है तो यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, तो भारत और चीन में विवाद होता रहता है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है जो नॉन पोलर एरिया है वहाँ पर, फर्स्ट कौन सा था, फेडचेंग को जो कि ताजिकिस्तान में है। कहाँ पर है ये सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम रेंज पर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है और वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड भी है। नुब्रा ग्लेशियर ये लद्दाख वाले एरिया में और काराकोरम श्रेणी पर है। इसके ये क्या है, जो नुब्रा ग्लेशियर है ये क्या आसपास ग्लेशियर से घिरा हुआ है, छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं इसके आसपास। ब्रैंगटन ग्लेशियर ये कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालय पर है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू कश्मीर का जिला है वहाँ पर है, ये किश्तवाड़ जिले में। ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर ये वृहत हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय पर है, ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ जिले में जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। पार्वती ग्लेशियर लाहौल स्पीति ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, लाहौल एंड स्पीति जिले में, और ये कहाँ पर है, वृहत ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में, पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, चार ऑप्शन दे देंगे, एक जम्मू कश्मीर वाला, एक उत्तराखंड वाला, एक हिमाचल वाला और एक सिक्किम वाला, तो आपको पता होगा तो आप क्लियर बता दोगे। पार्वती कहाँ पर है, हिमाचल में, अब तक जो हमने पढ़े थे वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पढ़े थे, ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में, लाहौल और स्पीति जिले में। कौन सा ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर। बारह सिगड़ी ग्लेशियर ये भी कहाँ पर है, लाहौल और स्पीति जिले में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। इम्पोर्टेंट है, पार्वती हो गया, बारह सिगड़ी हो गया, क्योंकि इससे क्या है स्टेटमेंट बना देते हैं और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, तो पार्वती बारह सिगड़ी। बसपा ग्लेशियर ये दो जो थे, पार्वती और बारह सिगड़ी बोल सकते हैं, और ये कहाँ पर हैं, दोनों ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश, इम्पोर्टेंट है याद रखना है, पार्वती और बारह सिगड़ी। बसपा ग्लेशियर ये उत्तरकाशी जिले में है उत्तराखंड के। जोंदर ग्लेशियर ये बस आपको लोकेशन याद रखनी है, ये बार बार चोटी कौन सी पर है, कंफ्यूज हो जाओगे आप भी, काराकोरम में, लद्दाख में, जास्कर पीर पंजाल में, तो आप स्टेट याद रखना, कौन से स्टेट में, उत्तराखंड में, जोंदर ग्लेशियर। बंदरपूंछ ग्लेशियर ये उत्तरकाशी जिले और उत्तराखंड में, यूके का मतलब उत्तराखंड है, उत्तराखंड बंदरपूंछ। उसके बाद यमुनोत्री ये कहाँ, यहाँ से ही हमारी कौन सी नदी निकलती है, यमुना रिवर, कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, कहाँ पर है, उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर की बात की जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, और इससे कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, जो कि देखिए एक तरफ क्या है गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से क्या है भागीरथी निकली, और इधर से क्या है अलकनंदा रिवर आती है। इसमें छोटी छोटी काफ़ी नदियाँ, जब हम रिवर सिस्टम बताएंगे
तो तब डिटेल में पढ़ाएंगे। तो अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब क्या बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है यहाँ से। तो जब रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे हम इसको डिटेल में, अगले लेक्चर में हम पासेस पढ़ाएंगे, उसके बाद हम रिवर सिस्टम ही स्टार्ट करेंगे। तो भागीरथी रिवर कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ये याद रखना है। वेस्ट कामेट ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और कहाँ पर है, उत्तराखंड में, यूके शॉर्ट में लिख रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में है। ईस्ट कामेट जब वेस्ट कामेट के पास ही है तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और ये कहाँ पर है, यूके उत्तराखंड में है। बैनकुंड ग्लेशियर ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और कहाँ पर, माना पीक पर है, उत्तराखंड में। बागिनी ग्लेशियर ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। ये बस आप इनकी लोकेशन याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट यही है कि कौन से राज्य में है, और अगर स्टेट पीसीएस वगैरह में तो ज़्यादा से ज़्यादा जिला पूछ सकता है। जैसे उत्तराखंड यूके पीएससी में पूछ लिया तो जो उत्तराखंड का एग्जाम है तो वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेते हैं। तो टिपरा ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, टिपरा ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर ये सब ग्लेशियर हैं, बार बार यहाँ ग्लेशियर हमने लिखा नहीं है तो टाइम लग जाता है काफ़ी। तो मिलाम ग्लेशियर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, गौरी गंगा नदी, गौरी गंगा नदी कहाँ से, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। कलाबालैंड ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। मियोला ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट और कौन से राज्य में, उत्तराखंड में है। पिंडर कफनी और नामिक ये कहाँ है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। तो ये थे हमारे यहाँ तक उत्तराखंड राज्य के जितने भी ग्लेशियर थे। उसके बाद और देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के, तिस्ता खांगसे ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। डोंगकिया की पीक से चेंगुंग तक फैला हुआ है, चेंगुंग लेक तक, डोंगकिया यहाँ पर डोंगकिया पीक है और चेंगुंग लेक तक ये फैला हुआ है, कौन सा, तिस्ता खांगसे, याद रखना कहाँ पर है, सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर ये सिक्किम नेपाल बॉर्डर पे है और ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है ईस्टर्न हिमालय, कौन सा, जेमू ग्लेशियर, जेमू। तैलुंग ग्लेशियर ये सिक्किम में है और नेक्स्ट वन राठौंग ग्लेशियर ये भी सिक्किम में, यहाँ से रंजीत रिवर या रंजीत रिवर बोल देते हैं इसको, रंजीत रिवर कहाँ से निकलती है, राठौंग ग्लेशियर से। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर जो हमने वन बाय वन देखे। तो आप मेनली याद रखना कौन से जिले में है, वो कौन से राज्य में है, और ज़्यादा अगर पूछें तो देख लेना कौन से राज्य में, अगर स्टेट पीसीएस की बात की जाए, और कौन सी श्रृंखला पर है ये देख लेना बस, काराकोरम पर है, लद्दाख जास्कर कहाँ पर है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको मैप की हेल्प से। तो देखिए नॉर्थ, पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ग्लेशियर देख लेते हैं। तो बटूरा ग्लेशियर, खारदोपिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर, चागो लिंगमा ग्लेशियर, ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। राखियोट, दाइमर, रूपल ये जम्मू कश्मीर में है। ये ब्रैंगटन, ड्रेंगड्रंग ये कहाँ पर है, ये लद्दाख वाले एरिया में। बियाफो, पनमा, बिलाफोंड, रीमो, चंगमोडांग, सियाचिन ये लद्दाख में। नुब्रा ये लद्दाख में। बारा सिगड़ी और पार्वती ये दोनों कहाँ हैं, बारा सिगड़ी और पार्वती बताइए कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में, जो कि इम्पोर्टेंट है। देन उत्तराखंड के देखते हैं, बसपा, जोंधर, बंदरपूंछ, यमुनोत्री, खटलिंग, फटिंग, माना, रक्तवर्ण, चतुरंगी, केदार, बयामाक, जौनली, गंगोत्री, भागीरथ, खड़क, सातोपंथ, चोराबारी, पनपटिया, और वेस्ट कामेट, ईस्ट कामेट, बागिनी, बैंकुंड, टिपरा, कबाला लैंड, मियोला, मिलाम और पिंडर कफनी और नामिक ग्लेशियर। ये तीनों नाम इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर ही मिलके बनाते हैं ये। सिक्किम की बात की जाए तो जेमू, तैलुंग, राठौंग और तिस्ता खांगसे। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही, और अगले लेक्चर में मिलते हैं इम्पोर्टेंट पासिस के साथ। इम्पोर्टेंट पासिस यानी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, कहाँ पर, जो हिमालयन माउंटेन, नॉर्थ माउंटेन एरिया में। तो अभी हमारा नॉर्थ माउंटेन चल रहा था, पासिस के बाद हम कहाँ चले जाएंगे,
ग्रेटर प्लेन की तरफ। ग्रेटर प्लेन में हम सबसे पहले क्या है, नदियाँ पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।